हे फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू योर चैनल ड्रीम शॉट। क्या आपने कभी सोचा है कि घर पे कुछ नेगेटिव्स पड़ा हुआ है, पुराने फोटोज के नेगेटिव्स? हो सकता है कि आपके पापा और मम्मी की शादी के हो, या हो सकता है कि आप ही के स्कूल डेज का टाइम का हो। अगर आप मिलेनियल हो तो इसका चांस बहुत कम होगा कि आपका फोटोज नेगेटिव में हो। लेकिन आपकी फैमिली में कुछ तो ऐसे लोग होंगे। अगर आप चाहते हो कि इन नेगेटिव्स को आप फोटो सॉफ्ट कॉपी बना के सेव करके रख दो, जस्ट टू कीप इट सेफ, क्योंकि नेगेटिव्स में क्या होता है, मॉइस्चर की वजह से खराब हो सकता है। टू अवॉइड दैट, इट्स गुड टू हैव अ सॉफ्ट कॉपी। अब इसमें दो ऑप्शन है, या फिर आप चाहते हो कि एक फॉर्मेलिटी के लिए बैकअप रहे सॉफ्ट कॉपी की तरह, जिसमें आपको क्वालिटी का ज़्यादा टेंशन नहीं है, आप बस एक बैकअप की तरह रखना चाहते हो। या फिर ये पॉसिबिलिटी है, आप इसको एक सीरियस प्रोफेशन की तरह ले रहे हो, या फिर आप एक स्टूडियो फोटोग्राफर हो और आप चाहते हो कि इसको अपना एक सर्विस का पार्ट बना दो। या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप एक फोटोग्राफर हो जिसको क्वालिटी से बहुत मतलब है। अगर आप सॉफ्ट कॉपी चाहते हो, देन यू वांट अ वेरी गुड क्वालिटी सॉफ्ट कॉपी। एक चीज आपको ध्यान रखना है, आज से अगर 5-10 साल पहले की अगर बात है तो क्वालिटी में थोड़ा सिमिलैरिटी होगा, लेकिन 20 साल पहले, 30 साल पहले की अगर फोटोज हैं, अगर उस जमाने का नेगेटिव्स है, तो फोटोज का क्वालिटी इटसेल्फ विल नॉट बी सो गुड। कलर अलग टाइप का होगा, अजीब सा रहेगा। तो इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अगर आपको क्वालिटी से उतना मतलब नहीं है, देन वी हैव अ मोबाइल ऐप। इस वीडियो का ये बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, बट दिस इज डेफिनेटली एन ऑप्शन। ऐप का नाम है फोटो नेगेटिव स्कैनर। बस आप इसको डाउनलोड कर दो, ओपन द ऐप, गिव सम परमिशंस, उसके बाद उस ऐप के अंदर कैमरा को ओपन करो और कोई भी ब्राइट बैकग्राउंड के सामने, हो सकता है कि विंडो के सामने या फिर कोई डेस्कटॉप के सामने, आप उस नेगेटिव को रखो जिसका आप सॉफ्ट कॉपी बनाना चाहते हो। क्लिक टू कैलिब्रेट एक ऑप्शन आता है आपको, जैसे ही आप क्लिक करते हो वो नेगेटिव टू पॉजिटिव बना देता है, मतलब उसको इन्वर्स कर देता है, विच मीन्स दैट आपको फोटो क्लिक करने से पहले ही उस ऐप के थ्रू आप फाइनल फोटो देख पाओगे। एक बार क्लिक करने के बाद आपको जितना चाहिए उतना क्रॉप कर सकते हो एंड यू कैन सेव द फाइल। अब इसका क्वालिटी काफी अलग अलग चीजों पे डिपेंड करता है, लेकिन ओवरऑल उतना अच्छा क्वालिटी आपको नहीं मिलेगा क्योंकि मोबाइल का सेंसर ही बहुत छोटा होता है। सो व्हाट इज द अल्टरनेट? ऑब्वियसली अल्टरनेट है एक प्रोफेशनल कैमरा, लेकिन प्रोफेशनल कैमरा से सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, क्योंकि मान लो सेम सिचुएशन में हम एक प्रोफेशनल कैमरा को लेके फोटो क्लिक करते हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम क्लोज नहीं जा पाएंगे, मतलब वो जो नेगेटिव है वो पूरा हमारा सेंसर कवर नहीं कर पाएगा, हमें दूर रहना पड़ेगा। एक मिनिमल फोकसिंग डिस्टेंस होता है हर एक लेंस का, जब हम वो डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करेंगे तो एक सेंसर के बहुत ही एक छोटा सा पार्ट में वो नेगेटिव आएगा। ऑब्वियसली उसको फोटोशॉप में पॉजिटिव कर सकते हैं, अगेन द क्वालिटी विल नॉट बी एज गुड। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है मैक्रो लेंस। इसमें मैक्रो लेंस क्यों सॉल्यूशन है? क्योंकि मैक्रो लेंस में बहुत ही कम मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस होता है, इतना पास लेके आप फोटो क्लिक कर सकते हो। जब हम इतना पास लेके आएंगे, वो जो नेगेटिव है वो ऑलमोस्ट पूरा सेंसर ही कवर कर देता है, मतलब आपका एक्चुअल फोटो जितना बड़ा होगा, क्लोज टू उतना ही बड़ा आपका नेगेटिव भी होगा, और आप एक बेटर क्वालिटी से उसको प्रोसेस कर पाएंगे। सो हाउ डू वी डू दैट? लेट्स स्टार्ट। इसके लिए वी नीड ए कार्डबोर्ड बॉक्स। एक बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए हमें एक व्हाइट शीट या व्हाइट क्लॉथ चाहिए। अगर हम लोग नेचुरल लाइट यूज नहीं कर रहे तो एक लाइट का सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रोफेशनल कैमरा एंड वी नीड अ माइक्रो लेंस, obviously negatives। तो हम क्या करेंगे, इस बॉक्स के अंदर उस लाइट सोर्स को रखेंगे। इट कुड बी एन LED सोर्स, या फिर एक मोबाइल का ही टॉर्च हो सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है, आप एक रिमोट कंट्रोल फ्लैश भी यूज कर सकते हो। उसके ऊपर आप एक व्हाइट शीट रखो, वो पेपर का हो सकता है या फिर एक क्लॉथ भी हो सकता है, उसके ऊपर आप अपना नेगेटिव रखो। उसके बाद एक मैक्रो लेंस यूज करके वो फोटो क्लिक करो। अब इसका एडवांटेज ये है कि वो जो नेगेटिव जो है ऑलमोस्ट, नॉट एग्जैक्टली बट ऑलमोस्ट, पूरा सेंसर कवर कर देगा, जिसकी वजह से यू विल गेट अ वेरी हाई क्वालिटी इमेज। अगर आप फोटोशॉप यूज कर रहे हो, ऑब्वियसली यू विल ओपन द इमेज, उसके बाद यू शुड गो टू इमेज एडजस्टमेंट और वहां पे आप इन्वर्ट कर दो। ऑब्वियसली देन यू कैन वर्क ऑन व्हाइट बैलेंस, ह्यू, सैचुरेशन, आप उसमें एडजस्टमेंट कर लेना। अगर आप लाइट रूम यूज कर रहे हो, यू शुड गो टू द डेवलप मॉड्यूल, वहां पे आपको टोन कर्व मिलेगा, वहां पे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। बेसिकली वो जो टोन कर्व है उसको फ्लिप करना पड़ेगा। यू कैन मैन्युअली डू दैट, मैंने मैन्युअली ही किया है। ऑब्वियसली सैचुरेशन, ह्यू, व्हाइट बैलेंस, ये सब आपको करेक्ट करना पड़ेगा। क्रॉप इट द वे यू वॉन्ट एंड यू हैव द फाइनल फोटो। ये जो सेटअप मैंने किया है, इसमें दो प्रॉब्लम्स आया है। एक ये है कि वो जो लाइट है, LED लाइट है, उसके ऊपर एक वाइट पैनल है, जो पेपर क्लॉथ या जो भी हो उसके डायरेक्टली ऊपर मैंने नेगेटिव रख दिया था, जिसकी वजह से वो जो क्लॉथ का जो टेक्सचर है वो नेगेटिव के साथ आ चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा सा गैप आपको वो वाइट शीट
और नेगेटिव के बीच में देना पड़ेगा ताकि वो टेक्सचर ना आए। ये एक्सपेरिमेंट करते वक्त मैंने गलती किया, ये आप वो गलती मत करो। और दूसरा, सेटअप करते वक्त आप इस तरीके से नेगेटिव को रखो, नेगेटिव के लिए एक टाइट होल्डर या स्लाइडर आप क्रिएट करो जिसके थ्रू नेगेटिव पास हो सकता है। क्योंकि आप डायरेक्टली अगर नेगेटिव को रख देते हो तो यूजुअली नेगेटिव फ्लैट नहीं होता है, 100% फ्लैट नहीं होता है, थोड़ा सा बल्ज रहता है और हीट की वजह से ये बल्ज इंक्रीज हो सकता है। आप अगर प्रोफेशनली ये करना चाहते हो देन मैं तो बोलता हूँ आप एक सेटअप बॉक्स बना दो। इसको शूट करने के लिए आई हैव यूज 90mm 2.8 लेंस माइक्रो लेंस एंड आई एम इम्प्रेस्ड बाय दिस लेंस। इस लेंस का और भी वीडियोस आएगा आगे। होपफुली ये जो तरीका है यूजिंग ए मोबाइल ऐप एंड यूजिंग ए प्रोफेशनल सेटअप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है देन प्लीज लेट मी नो बाय हिटिंग द थम्स अप। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स अगेन, टेक केयर।